बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय पार्ट टू के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान टू मधुबनी जिला अंतर्गत लदनिया प्रखंड के सर्वप्रथम पदमा पंचायत का चयन किया गया, जिसमें SLWM ठोस तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन, गीला एवं सूखा कचरे को डोर टू डोर जाकर कलेक्ट करने की जिम्मेदारी स्वच्छता कर्मियों को दिया गया, जिसका उद्घाटन जिला उप विकास आयुक्त मधुबनी DDC श्री विकास राज जी के लदनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार के उपस्थिति में किया गया। ज्ञात हो पूरे मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के पदमा पंचायत का सर्वप्रथम चयन किया गया। इस चयन में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत 10 लोगों को हरा और नीला 2 डस्टबिन वितरण कर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को विस्तार से समझाया गया कि मुख्यमंत्री के इस योजना को सफल बनाए। कार्यक्रम में जिला जल स्वच्छता कमेटी मधुबनी के निर्देशक श्री राजेश्वर प्रसाद, जिला स्वच्छ समन्वयक श्री संजीव झा, स्वच्छता सलाहकार श्रीमती अमृता कुमारी मौके पर उपस्थित थीं। पद्म पंचायत के सभी वर्तमान व निवर्तमान वार्ड सदस्य, पंचायत समिति मुखिया, भूतपूर्व मुखिया समेत कई गणमान्यों के सानिध्य में वरीय पदाधिकारी के साथ पैदल रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर इस योजना का शुभारंभ किया गया। ज्ञात हो करीब 5 साल पहले आप सभी नवयुवक तथा ग्रामीणों के जन सहयोग से पद्मा चौक पर प्रतिदिन स्वच्छता अभियान का शुरुआत सफाई कर्मी को रखकर दुकानदारों के आर्थिक सहयोग किया गया था। इसी बात को संज्ञान में रखते सर्वप्रथम पद्मा पंचायत को चयन किया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायतवासियों से आग्रह किया गया।